मेरे साथ क्या झगड़ा आपका, क्यों भाग करीन से क्या बात आपसे? ना करें ऐसे खुदा के लिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लोड़शे आ रहे थे, सेहत ही नहीं बन रही। गल तेरे वे कम कमजोर बंदे ना मुंगरिया नु कही जांदे तोरियां किवें लाईयां ने, तोरियां जी। इतनी खूबसूरत आंखों के मालिक हैं आप, ते की लोड़ है स्टाल लांदे सर? सो मच अखा बेच के मकान बना जा लड़की नहीं है, कुछ शर्म करो। जैसे आप लड़के बन रहे हो वैसे वो भी लड़की बन रही है, वो तो नानी बन नानी है, नानी जी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुरा। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने किया है जलसा, और जलसा भी बड़ा कमाल किया है, और जलसा अपने ससुराल में ही किया है। यानी जलसा ऐसा हुआ, और जलसे के दौरान उन्होंने ये कहा कि जो मलिक रियाज साहब की ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर ये पता लग गया कि इनकलाबियों का लीडर दो नंबर साबित हुआ, यानी कि इमरान खान को उन्होंने दो नंबर कहा है कि इमरान खान दो नंबर हैं, एक नंबर हैं, ये तो अवाम बता देगी मुझे। और फिर जहाँ पर हमजा शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि वो एनआरओ की भीख मांगता रहा है, जो बंदा एनआरओ दे नहीं रहा वो एनआरओ की भीख कैसे मांगेगा? आइए मेरे मुझे तो ये समझ से बाहर है, ये बातें क्या होने लग गई हैं। आइए लोगों से पता करते हैं कि इमरान खान एक नंबर है, दो नंबर है, और एनआरओ की भीख भी मांग रहा है के नहीं मांग रहा। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम पायना, अस्सलाम वालेकुम पायना, पायना अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? अल्लाह अल्लाह मना, किधर चला है? मैं जा रहा हूँ सर, मैं बात नहीं कर सकता आपसे। बात क्यों नहीं कर सकते मेरे साथ? कौन बात नहीं मेरे साथ, क्या झगड़ा आपका, क्यों बात नहीं कर सकता बात आपसे? ना करें ऐसे खुदा के लिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम का जवाब। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? मगर अल्लाह सियासत के बारे में मैं कह रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे बस। आमीन, अल्लाह आपको खुश रखे। इलाही खैर, मौला पागल करान किया। कैसे हैं आप? क्या नाम क्या है आपका? ठीक है। मेरा नाम क्या? पूछ लो सर, नाम तो बता दो। मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, इतना खूबसूरत नाम है। एक बंदा एनआरओ नहीं दे रहा था और वो अब एनआरओ की भीख मांग सकता है? इमरान खान नंबर एक नंबर है, सियासत है, इमरान खान एक नंबर है या दो नंबर आदमी है? सर देखें, हम ना किसी को एक नंबर कह सकते हैं, ये हमारे पास जवाज ही नहीं है। जवाज ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली बात वो देखें, सियासत है, सियासत में जिस तरह ये तीन पार्टियां मिल सकती हैं वो भी कर सकता है यार। कुछ भी कर सकता वो है, कुछ भी कर सकता है। सियासत है, इंडोर कुछ और होता है, आउटडोर कुछ और होता है। हम आपको पुद्दू बनाया, इंडोर ड्रामा करने होने तो बड़े सही हो रहे, आउटडोर तो माशाल्लाह चुक देनी। बेशक सही कह रहे हो आप, इसी तरह ही है यार। देखो हर बंदा अपनी सियासत को बचाने के लिए किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचता ही है। लेकिन आपका दिल क्या कहता है कि इमरान खान एक नंबर आदमी? वो यार मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, दिल भी कुछ नहीं कह रहा था। मेरा दिल भी उसके बारे में कुछ नहीं कहता। सोच लो कोई साडे बारे च क्यों इतना कमजोर हो गया? बस लोड़शे आ रहे थे, सेहत ही नहीं बन रही। गल तेरे वे कम कमजोर बंदे ना मुंगरिया नु कही जांदे तोरियां किवें लाईयां ने, तोरियां जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान के बारे में कह रही है मरियम और मरियम नवाज साहिबा कि ये दो नंबर आदमी है, इनकलाबियों का लीडर दो नंबर साबित हुआ ऑडियो लीक होने के बाद। उन्होंने जाएगा उसको माफी मांग ली होनी है, मरियम नवाज ने और की इमरान खान को लो यार। तेन तू चुक लिया जाना, तेन जन्मन कह रहे हैं तो नहीं चुके, कोई से बनेगा। आपके ख्याल में इमरान खान नंबर एक है या दो नंबर है? एक नंबर है। एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है भाई, ना एक ना दो। यानी एक नंबर लीडर हुआ है या दो नंबर लीडर हुआ है? एनआरओ की भीख मांग सकता है इमरान खान? भावे मांग ले भावे ना मांगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप क्या कहते हैं इमरान खान एक नंबर है दो नंबर है? और पाए ने मैं तो कह रहा सारी दो नंबर जी। हाँ जी, साडा मौला अली शेर अली मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने आज तो 1400 साल पहले फरमा गई थी, जैसी कौम वैसा हुक्मरान, ते साहब आप साडी आवाम ही नहीं ठीक, तो हुक्मरान की तो ठीक होने। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लेकिन इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय है?
इमरान खान बाकी ठीक बंदा है, ठीक बंदा है, एक नंबर है जी। इनकी तरफ से आ गया कि एक नंबर बंदा है ये मरियम, और मरियम नवाज साहबा जो है वो गलत कह रही है, बिल्कुल सही है। आप क्या कहते हैं जी, एक नंबर ही है? हाँ जी भाई, एक नंबर ही, एक नंबर ही है जी, इमरान खान एक नंबर ही। आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। हां वालेकुम अस्सलाम। यार कमाल हो गया, गला खराब है तो थोड़ा ही तो बोलना, मैक से आवाज आएगी। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है, एक बार फिर कह रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लाल भी लाल है जेड़ा पन्नो लाल है, हैं? ये भी मैं माजरा देख रहा हूँ, ये क्या सीन है, मुझे समझ नहीं तो बाहर दो आने भेज रहे हैं, लाल है भी लाल है। काफी वीडियो मैंने देखी है टिकटॉक पर, लाल है एक पासे वो, दूसरा सीन है एक पासे दूसरा सीन है। समझ गए बात, ये टिकटॉक अजीब बना देते हैं फिर। वही मैं देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आंखों के मालिक हैं आप जी जी, तो की लोड़ है स्टाल ला दे सर, सो मच अखा बेच के मकान बना छ तुसी हां जी फ्री ले लो साथ जी। अल्लाह खैर करे ताड़ी। क्या नाम है आपका? जमान। जमान भाई मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि इनकलाबियों का लीडर जो है वो दो नंबर साबित हुआ ऑडियो लीक होने के बाद, और हमजा शबाज कह रहा है कि ये NRO की भीख मांगता रहा। जो बंदा NRO दे नहीं रहा वो भीख कैसे मांगेगा? क्या इनकलाबियों का लीडर दो नंबर हो सकता है? इमरान खान दो नंबर आदमी? नहीं नहीं नहीं, उसके हम पक्के सपोर्टर हैं, समझ रहे हैं, हम उसके हक में बोलेंगे। अरे क्या ना ना, हम उसके पक्के सपोर्टर हैं, समझ रहे हैं बात को, हम उसके हक में बोलेंगे। वो बहुत नाइस शख्स है, बिल्कुल सही बात है, अच्छा आदमी है। उसने समझ रहे हैं कि ये जो मुल्क में जो मामला था, अब आप देख रहे हैं कि लाइटिंग बहुत जा रही है, इस तरह लोड शेडिंग बहुत सिस्टम, जब वो इमरान खान उसके दौर में नहीं था, इस तरह ही है, बिल्कुल सही बात। तो अब बहुत दिक्कत का सामना करना। मरियम नवाज साहिबा गलत कह रही हैं। हाँ बिल्कुल गलत कह रही हैं, वो तो वैसे ही बकवास कर रही है ना वो। हाँ गलत कह रही हैं। तो ये NRO की भीख मांग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि वो तो दे नहीं रहा था NRO, तो वो कैसे मांग सकता है इमरान खान? अब ये सिस्टम मुझे नहीं पता कि क्या चक्कर है, क्या गलत, क्या रोल है इनका आपस में, पता है आपस में क्या रोल है। हाँ लेकिन आप ये कहते हैं कि एक नंबर आदमी है इमरान खान। नाइस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर नाम की ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है खान। की गल ही करोगे ਤੁਸੀਂ, ਢਿੱਡ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਸਾ ਢਿੱਡਣਾ? ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਆਦਮ ਖੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो मैया साहब क्या कहते हैं कि ये मरियम नवाज साहबा जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब सी बातें कर रही हैं कि इमरान खान जो इनकलाबियों का लीडर है वो दो नंबर साबित हुआ ऑडियो लीक होने के बाद, ये जो मलक रियाज की ऑडियो लीक हुई है, और हमजा शबाज कह रहा है कि NRO की भीख मांगता रहा उसके अंदर, क्या कहते हैं आप? ऐसा हो सकता है एक दो नंबर आदमी है? असल है कि इमरान खान नंबर एक के, बाकी कुत्ते बिले बड़े जेड़े, बाकी नाल बंदे ने कोई नहीं सही, तो बेचारा गल्ला किसे डाएगा अपना, की करेगा, की करेगा। चोर किसे ना नहीं होंदे, सब ना चोर होंदे, बिल्कुल सही गल। नवाशी सी ओदे ना भी चोर सन, हीरो आ वड्डा चोर बन गया, बिल्कुल सही गल। जिवें तुसी इहनां दे नाल हैगे हो, हां जी इक सही ने, तुसी नाल चोर हो। हां सर कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ला लो जरा बाहें, और सुनाए कैसे आप? अल्लाह का बड़ा करम एहसान चाचू, अब करम ही होना चाहिए, इस उम्र में इतने यंग लग रहे हैं आप माशाल्लाह। यकीन करो ठीक हो गया, रैप करो तो तुसी सारे ने पीछे छाड़ दियो। अल्लाह हो अकबर, अल्लाह बचावे ताड़े वर्गे शताना को लों। हैं तुसी बेहाई प्रोग्राम लेके फिर रहे हो, हया करो, कोई चैनल है भी ताड़ा या बस एवं ढकोसले गए जे इन्नी वाहियात गुफ्तगू कर रहे हो तुसी। हैं लगते तो शक्लों शरीफ आदमी हो मगर हरकतां ताड़ी दो नंबर मुंडे वाली हैगी जे। हाँ जी तुसी माइयों ही समझे चढ़ाई करती आंदा ही मेरे ते। अल्लाह ताड़ी खैर है, यही चाहता हूँ मैं, हसरा खेलने काम है जी, वो लोग की पूछना जे चाचू जी, ये हसरा खेलने काम है। ठीक हो गया, पूछो की पूछना जे। खैर करे मुझे ये बताइएगा नाम क्या आपका? शराफत अली। लग नहीं रही इसी बीच जरा जी, अभी तो किया ही कुछ नहीं आपके साथ, क्यों परेशान हो गए हैं? मैं सदके चला जाओ, यानी अभी शराफत दिखानी है जी, बिल्कुल सही है, तो बाद बशारत भी दिखाना जी 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 बिल्कुल, वेरी गुड चाचू। अल्लाह आपकी जिंदगी करे, मेरा काम तो यही होता है कि हंसना हसाना जी जी। जिंदगी में मायूसियां बड़ी हैं जी जी, दुख बड़े हैं जी जी, हंस लें मुस्कुरा लें ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। सर ये क्या कहते हैं, मरियम नवाज साहबा ने जलसे में कहा है कि इमरान खान इनकलाबियों का दो नंबर लीडर है। मेरा बेटा आज आप एक बात बताएं मुझे जी, जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत ना रखी हो,
वो लड़की इस कौम की इज्जत कहाँ से रखेगी, मुझे ये बता दें बस आप। है जिस लड़की ने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी उसने कौम की इज्जत क्या रखनी, जो ये कहे कि जनाब मेरी पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई जायदाद नहीं और फिर 1 अरब की उसकी जायदाद निकल आए। किस लड़की के बारे में पूछ रहे हो भाई, वो नानी है, लड़की नहीं है, कुछ शर्म करो। जैसे आप लड़के बन रहे हो वैसे वो भी लड़की बन रही है, वो तो नानी बन नानी है, नानी जी जी। तो ये हमजा कह रहा कैनोरों की भीख मांगता, वो हमजा बेटे वो ब्यूटी बक्स अपने साथ रखता है, लिपस्टिक लगाता है होंठों के ऊपर, कुकड़ी मास्टर। तुम किसकी बात कर रहे हो, किसी बंदे की बात करो यार, कमाल करते हो। हैं बिल्कुल सही है यार, लव यू चाचू। अच्छा चाचू मुझे ये बता दीजिएगा कि इमरान खान 1 नंबर है 2 नंबर है? अगर 1 नंबर आपको समझ नहीं है तो आपकी शनाख्त पे लानत है। जिस बंदे ने इस्लामोफोबिया के खातर वहाँ पर लड़ा और इस्लामोफोबिया का बिल पास कराया, जिसको इसराइली एजेंट कहते हैं, उसने इसराइल के लिए वहाँ पे बंदे नहीं भेजे, इस हुकूमत ने बंदे भेजे, तो ये 2 नंबर कहाँ से हुआ? जो मक्के में नंगे पैर जाता है वो 2 नंबर कहाँ से हुआ? मौलाना फजलुर रहमान का अखबार में आया हुआ है, क्या आया हुआ है कि जनाब अगर ये हुकूमत उसे कबूल करेगी इसराइल को तो मैं वेलकम कहूँगा। अच्छा जी। हाँ जी, और किधर गए लबैक वाले ये, और रजवी का बेटा उसे नजर नहीं आ रहा, आप जैसे चैनल वालों को नजर नहीं आ रहा कि पेट्रोल 180 रुपए का हो गया, इसके ऊपर बात नहीं करते, उसके ऊपर बात करते हैं, उस लड़की के बारे में क्या बात है जो लड़की है ही नहीं, नानी है। ओ यार जाओ कल का इलाज कराओ अपनी। नाम क्या है सर आपका? बिलाल। बिलाल, बिलाल भाई मुझे ये बताइएगा कि ये मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि इमरान खान जो हैं इनकलाबियों के लीडर जो हैं ये 2 नंबर साबित हुए हैं, जलसे में उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है, और हमजा शहबाज कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक हुई है तो NRO की भीख मांग रहे हैं। जो बंदा NRO दे ही नहीं रहा था वो भीख कैसे मांग सकता है NRO की? और इमरान खान 1 नंबर है 2 नंबर है? इमरान खान तो बेहतर आदमी है, ये खुद मतलब फेक लोग हैं, इनकी बातों में इसी तरह उन्होंने बस टांग ही खींचनी है उसकी इमरान खान की, और इनको कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इनका यही काम है, इन्होंने बस अपना टाइम पूरा करेंगे जो 2-3 महीने का, फिर इन्होंने बहुत बुरे तरीके से आना है, जो पिछली दफा हुआ है उससे भी बहुत बुरा होना है इनके साथ, उससे भी बुरा होगा, बुरा होगा बिल्कुल। यानी आपकी नजर में इमरान खान 1 नंबर आदमी? बिल्कुल 1 नंबर आदमी, बिल्कुल सही है। NRO की भीख नहीं मांग सकता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मांग सकता, बिल्कुल नहीं मांग सकता जी, NRO की भीख वो बिल्कुल नहीं मांग सकता। बहरहाल तो चश्मा था 2.5 नंबर है या 2 नंबर है? तकरीबन 1.25 नंबर है। ना 1 नंबर ना 2 नंबर, 1.25 नंबर। अज में 1.25 रुपया दमदा लेने ने बंदे। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, हमने तो आपको आसाना होता है, लोगों के कमेंट्स आपने सुन लिए, इमरान खान 1 नंबर आदमी है और 1 नंबर ही लोग कह रहे हैं उसे। बहरहाल हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हंसी वाले ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, साथ है।